तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, देखो आप नारा यहां लगाओगे इटली तक आवाज जानी चाहिए, जाएगी क्या? तो मेरे साथ दो फिर से हाथ उठाइए, उठाइए विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, बहन अदिति सिंह जी, गिरीश नारायण पांडे जी, श्री रामलाल अकेला जी, धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी, बुद्धिलाल पासी जी, संजय राय जी, पीयूष मिश्रा जी, गुजरात से यहाँ आए हुए प्रदीप सिंह जाडेजा जी, श्री केसी पटेल जी, बहन रंजना चौधरी जी, रामदेव पाल जी, विकास सिंह जी, राजा राकेश प्रताप सिंह जी, सुनील शर्मा जी, आरबी सिंह जी, पशुपति शंकर वाजपेयी जी, अजय त्रिपाठी जी, सुरेंद्र सिंह जी, राजा पांडे जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी भाई दिनेश प्रताप सिंह, जोर से ताली बजाओ दिनेश प्रताप सिंह। और आज रायबरेली की इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं रायबरेली की भूमि पर मनसा देवी मंदिर, गौरा पार्वती मंदिर, संकटा माता मंदिर, कोटेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर और आस्तिक मंदिर को मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत कर। मैं यहां महापुरुष श्री बीरा पासी जी, महाराजा माहे पासी, राणा बेनी माधव जी, ये तीनों महान व्यक्तित्व को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कुछ विशेष बात कर आ रहा है, मन खोलकर रायबरेली वालों से बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश भर में जहां जाते हैं 400 पार का नारा लगता है। मैं पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह 400 पार का नारा लगता है। 400 पार तो तभी हो सकती है जब देश में, पूरे देश में मोदी जी को 400 सीटें जिता कर दे, वो होने ही वाला है। मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं, अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। भाइयों बहनों, यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है, रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है।
मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया हूं। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई। जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए हैं क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? 5 बच्चियां डूबकर मर गई, कोई गया है क्या? बहन प्रियंका, ये परिवार है आपका और हमारा दिनेश प्रताप, ये 5 में से एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां घर पे बैठने के लिए नहीं गए। भाइयों बहनों, सांसद कैसा चाहिए? जनता की खुशी में खुशी हो और जनता के गम में गम को वहन करे, ऐसा सांसद चाहिए। मुझे बताइए, ये शाहजादे आज यहां वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर कहने आया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बाद में बात करता हूं, मोदी जी ने विकास की बहार चलाई, मगर ये परिवार यहां एक बाड़ लगाकर बैठा है, विकास को रायबरेली में घुसने नहीं देता है। ये बाड़ा एक बार तोड़ दो, रायबरेली जनपद को हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जनपद बनाएंगे, नंबर 1 जनपद। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता खड़गे जी कहते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान वालों को कश्मीर से क्या लेना देना है। खड़गे महाराज 80 पार कर गए, रायबरेली के लोगों को नहीं जान पाए, रायबरेली का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से ये गांधी परिवार धारा 370 को अनहरस बच्चे की तरह गोदी में लेकर बैठा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर
हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन गए। भाइयों बहनों, जब मैं धारा 370 का हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहते हैं मत हटाओ मत हटाओ। मैंने पूछा कि क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। 10 साल तक, 2014 तक, 2004 से इस देश में सोनिया मनमोहन सरकार चली, कांग्रेस की सरकार चली, सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार चली। आए दिन बम धमाके होते थे, ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर कोई कुछ नहीं करता। मोदी जी आए, पाकिस्तान को आदत लगी थी, इन्होंने पुलवामा और उरी में धमाका किया, मगर वो भूल गए इस बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। रायबरेली वालों मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को अटका कर रखी थी, लटका कर रखी थी, भटका कर रखी थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, यहां से राहुल बाबा चुनाव लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ, आपको दिनेश प्रताप और राहुल बाबा का भविष्य तय करना है। प्राण प्रतिष्ठा में राहुल बाबा ने जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना? वो आएंगे तो पूछेंगे क्या कि क्यों नहीं गए भाई? पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं दे देता हूं जवाब, वो इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाइयों बहनों, हम कोई वोट बैंक से नहीं डरते हैं। न केवल राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, मोदी जी ने उसको भी बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, मोदी जी ने इस देश के आस्था स्थानों को पुनर्जीवित करने का काम किया। भाइयों बहनों, मैं यहां जब आया हूं तब राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं, वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं, पहले आपको पूछता हूं। मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। राहुल बाबा इसका जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अच्छा किया या बुरा किया?
अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं राम मंदिर के बारे में, मैं उनको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब जरा राहुल बाबा दे। और भाइयों बहनों, अंत में राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? ये पांचों चीजों का जवाब राहुल बाबा ने देना चाहिए, बाद में रायबरेली के लोगों के वोट मांगने चाहिए। भाइयों बहनों, ये गांधी परिवार झूठ बोलने में बड़ा माहिर। अभी कह रहे हैं हम हर महिला को 1,00,000 रुपया देंगे। मैं अभी अभी तेलंगाना से आया, तेलंगाना चुनाव में उन्होंने कहा था हर महिला को 15,000 देंगे। वहां की महिलाएं उन्हें सरकार चुनकर दे दी 15,000 नहीं, 1,500 रुपया भी नहीं दिया। भैया ये लोग झूठे वादे करने में माहिर है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपया महीना देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इनके वादे झूठे होते हैं। भाइयों बहनों, एक और झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी को बहुमत दोगे, 400 सीट दोगे तो मोदी जी आरक्षण हटा लेंगे। रायबरेली वालों, मोदी जी को इस देश की जनता ने 10 साल से पूर्ण बहुमत दिया है। कितने साल से? जोर से बोलिए, कितने साल से? 10 साल में मोदी जी ने आरक्षण नहीं हटाया। मैं आज रायबरेली की जनता को मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, संसद में जब तक एक भी संसद सदस्य भाजपा का है, हम एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को हटने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनकर आई, तेलंगाना में चुनकर आई, उन्होंने रातों रात मुसलमानों को आरक्षण दिया। और मुसलमानों को आरक्षण दिया किसका गया? 4% दिया वो एससी एसटी ओबीसी का काट कर दिया। भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और सालों से यहां से आते हैं। मैं आज कहने आया हूं, एक बार कमल खिला दो हम रायबरेली को। मैं फिर से कहता हूं, यूपी का नंबर 1 जनपद बनाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा के एडवाइजर है मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा पाकिस्तान को सम्मान दो भाई, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। क्यों ना करे? तो वो जवाब दे रहे हैं, उनके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताओ भाई रायबरेली वालों, पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, छोड़ना चाहिए क्या? मैं आज आपको वादा कर जाता हूं, हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। ये फारूक अब्दुल्ला हमें डराते हैं, ये मणिशंकर अय्यर डराते हैं, और राहुल बाबा चुपचाप मजा देखते। राहुल बाबा रायबरेली की जनता के सामने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर आपका स्टैंड तय करो। हमें तो नाज है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है और भारत का दावा इस पर हमारा हमेशा बना रहेगा। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने विकास की एक गंगा बहाई, पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, बल्लिया एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, लगभग 14 एक्सप्रेस वे बनाकर उत्तर प्रदेश का विकास किया। 7,000 किलोमीटर एक्सप्रेस
नेशनल हाईवे छोड़े थे, हम 12,000 किलोमीटर पर ले गए, हवाई अड्डे 2 छोड़कर गए थे, हमने 9 बना दिए और 12 बन रहे हैं, और जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 2 ही शहरों में मेट्रो थी, आज 5 में है, मेडिकल कॉलेज 12 थी, आज 68 है, और 22 नई बन रही है, 2 एम्स बने गोरखपुर और रायबरेली में, 30 नहर योजनाओं से 50 लाख किसानों की 23 लाख हेक्टर भूमि को सिंचित किया, डिफेंस कॉरिडोर बना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश का 60% यूपी में हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क बना, फिल्म सिटी बनी, टॉय पार्क बना, हैंडीक्राफ्ट पार्क बना और लॉजिस्टिक हब भी बना। ग्रेटर नोएडा में IIT आया, बरेली में मेगा फूड पार्क आया, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी बना, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क बना, मगर यहां घुसने ही नहीं देते। यहां के विकास के ताले की चाबी दिनेश प्रताप है, इसको एक बार ताला खोल दो, हम ये सारे विकास के काम रायबरेली में भी करेंगे। मगर मोदी जी ने रायबरेली में गरीबों के लिए 82,000 आवास बनाए, 2,74,000 गरीबों को गैस का कनेक्शन दिया, 5,00,000 घरों में नल से जल दिया, 5,46,000 गांव में शौचालय बनाया, 4,82,000 किसानों को 6,000 रुपया दिया, 50,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दिया और 80,000 वृद्धावस्था पेंशन दिए, और महाराजगंज में नया फायर स्टेशन बनाने का काम मोदी जी ने किया है। मगर एक ही कमी है, यहां सांसद भी है, अदिति सिंह जी को आपने चुना है, और भी सांसद चुने हैं, ऊपर योगी जी भी है, इसके ऊपर मोदी जी भी है, बीच में एक सांसद कम है। यहां से विधायक है या अदिति सिंह, अब सांसद दे दो तो पंचायत से पार्लियामेंट तक पूरा कमल ही कमल हो जाए। और भाइयों बहनों, योगी जी ने इस प्रदेश में माफियाओं को, गुंडाओं को, भूमाफियाओं को समाप्त कर उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हमारे CM योगी आदित्यनाथ ने किया है। भाई, उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को योगी जी देश में नंबर 1 बनाए हैं, और रायबरेली को मोदी जी नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आप एक साथी दे दो, बाकी सब हम करेंगे। मैं आज फिर से रायबरेली की जनता को कहना चाहता हूं, सालों तक आपने गांधी परिवार को मौका दिया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। अमेठी ने भी दिया था, 2018 में अमेठी की कलेक्टर ऑफिस का भूमि पूजन मैंने किया, ये विकास में मानते ही नहीं है। मैं आज कहता हूं, इतने साल मौका दिया, कुछ नहीं हुआ, आपके सुख दुख में भी नहीं आए हैं। एक मौका भाजपा को देकर देखो, हम रायबरेली को कहां से कहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, समृद्ध बनाया है, आगे बढ़ाया है, चंद्रमा पर चंद्रयान पहुंचाया है, G20 किया है, और देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है। आज मैं आपसे अपेक्षा लेकर आया हूं, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मोदी जी की विकास यात्रा में हमारा रायबरेली भी जुड़ जाए। हम रायबरेली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए दिनेश भैया को टिकट देकर आपके बीच में रखा है। ये 12 महीना 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला आदमी है। आदमी ऐसा ढूंढो कि घर का काम पड़े तो आपके घर पर वो आए, आपको दिल्ली न जाना पड़े। समझ पड़ती है भाई बात मेरी?
मुझे बताओ, सांसद आपके घर पर जाइए या आपको दिल्ली जाना है? अरे जोर से बोलो भाई, घर पर चाहिए ना? तो एक ही ऑप्शन है, दिनेश को जिताना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, दिनेश सिंह को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता है भाई। जोर से बोलिए, दिनेश प्रताप को जिताएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? रायबरेली में कमल खिलाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रायबरेली से आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। अमित शाह का गांधी परिवार पर वार, गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर है, कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं, राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए, रायबरेली को सांसद निधि से क्या मिला, ये सवाल अमित शाह ने पूछा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है और गांधी परिवार को झूठा भी बताया और कहा कि गांधी परिवार झूठ बोलने में माहिर है, कांग्रेस के लोग झूठे वादे करते हैं, राहुल गांधी राम मंदिर क्यों नहीं गए, इस पर भी उन्होंने सवाल पूछा और साथ ही कहा कि रायबरेली को सांसद निधि से आखिर क्या दिया गया। ये शाहजादे आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, इतने सालों से वोट दे रहे हो, मेरे सामने विशाल जनसमूह 40-50 हजार का बैठा है, सांसद निधि से आपको कुछ मिला है क्या? जरा बोलो, मिला है क्या? उन्होंने खर्च पूरी की है, मैं हिसाब लेकर आया हूं, पूरा खर्चा किया है भाई। अब आप कह रहे हो मिला नहीं है, तो कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये उनकी वोट बैंक में खर्च किया। भाइयों बहनों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो, आप उनकी वोट बैंक नहीं। 70% से ज्यादा सांसद राशि माइनॉरिटी में खर्च करने का काम सोनिया गांधी जी ने किया है।